नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक कदम वेदों की ओर। दोस्तों, हम अपनी वैदिक सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जबकि यह भूलने का विषय नहीं है। वेद प्राचीन होकर भी नवीन है। यदि वेदों के सार को देखा जाए तो उनमें कोई भी असभ्यता, कुरीति, कुप्रथा देखने को नहीं मिलती, बल्कि जातियों को कर्म के आधार पर बांटा है और स्त्री की स्थिति भी उच्च एवं सम्मानजनक है। लेकिन बीच में यानी मध्यकाल में या पाश्चात्य शिक्षा की वजह से स्त्रियों की दशा खराब एवं दयनीय हो गई थी। तो आओ अब हम बात करते हैं पाश्चात्य और प्राच्य शिक्षा के बारे में। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि पाश्चात्य और प्राच्य शिक्षा है क्या। तो पाश्चात्य शिक्षा वह शिक्षा है जो विदेशियों या यूरोपवासियों द्वारा या इस्लामियों द्वारा हमारे देश में लाई गई है, और प्राच्य शिक्षा वह शिक्षा है जो हमारी भारतीय संस्कृति से और वेद पुराणों शास्त्रों से प्राप्त है। दोस्तों, दोनों में अंतर यह है कि हमारा जीवन अंतर्मुखी है, जबकि यूरोप का जीवन बहिर्मुखी है, जहाँ हम भावों का आश्रय लेकर पाप, पुण्य, स्वर्ग इत्यादि पर विचार करते हैं। वहीं यूरोप का स्वर्ग स्थूल जगत है, यानी वह पृथ्वी के सौंदर्य, ऐश्वर्य, मानव एवं शारीरिक संतुष्टि को ही स्वर्ग मानते हैं और समझते हैं। तो जहाँ आज हमारी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा या संस्कृति की ओर आसक्त है, वही हमारी संस्कृति प्राच्य शिक्षा की ओर आसक्त होनी चाहिए। प्राच्य और पाश्चात्य का एकीकरण है इस युग का धर्म। परंतु एकीकरण में यदि हम पाश्चात्य को आधार या मध्य अंग बनावें तो यह हमारी भयानक भूल होगी। अतः प्राच्य शिक्षा ही आधार है और प्राच्य शिक्षा ही मुख्य अंग, क्योंकि ये बाह्य जगत अंतर जगत पर प्रतिष्ठित है, ना कि बहिर्जगत अंतर जगत पर। तो दोस्तों, देखा जाए तो हमारे ऋग्वैदिक काल बहुत ही स्वर्णिम रहा है, क्योंकि वहाँ सभी मनुष्य एक समान थे और उन्हें जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बांटा गया था, और साथ ही स्त्री की स्थिति, शिक्षा का स्तर, वर्ग स्थिति आदि का स्तर, स्थिति सम्मानजनक थी। अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल हमारा बहुत ही स्वर्णिम रहा है। किसी देश या समाज का विकास मापकों को महिलाओं की और बच्चों की स्थिति ही स्पष्ट करती है, क्योंकि बच्चा जहाँ देश का भविष्य है, वहीं स्त्री उसकी पहली शिक्षिका और पोषिता एवं दिग्दर्शिका है। यदि वैदिक काल को देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति उचित और सम्मानजनक थी। जैसे ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं अपाला, घोसा, ऊषा, मैत्रेयी, सरस्वती आदि, जिन्होंने उपवेद लिखने में सहायता भी की है। गुरुओं की भी सम्मानजनक स्थिति थी। वैदिक कालीन गुरुकुलों में विद्यार्थी को वेद, शास्त्र, पुराण, 16 संस्कार, वर्ण, आश्रम आदि की शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने को सिखाया जाता था। वहीं पाश्चात्य शिक्षा में गुरु शिष्य के घर जाकर पढ़ाता है। निश्चित ही वैदिक समाज में रहने वाली हर जाति, हर वर्ग एवं नारी को हर क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता थी। कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा व्यक्तियों को उदार बनाती है। यही कारण था कि वैदिक समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां प्रचलित नहीं थी। ये बुराइयां तो मध्यकाल में देखने को मिलती हैं। महिलाएं उत्सवों और यज्ञों में भी भाग लेती थीं। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता भी और शास्त्रार्थ करने का भी अधिकार था, और स्वयंवर में वर चुनने का भी। दोस्तों, वेद शब्द संस्कृत की विदि धातु से निकला है, जिसका अर्थ है विदित होना, जानना, अर्थात ज्ञान को जानना ही वेद है। वेदों में मानव के जो 16 संस्कारों का वर्णन है, उनसे
व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दर्शन शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र आदि से व्यक्ति भविष्यवाणी भी करता था। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण गरिमामयी उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्री की शिक्षा दीक्षा शील गुण कर्तव्य अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन पाया जाता है वैसा संसार के अन्य किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासिका भी। तथापि जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किए, दोस्तों दुख तो हमें इस बात का होता है कि जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किए ऐसे कुछ रीढ़ की हड्डी विहीन बुद्धिवादियों ने इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का जो अभियान चला रखा है उसके तहत वेदों में नारी की अवमानना का ढोल पीटते रहते हैं। और दोस्तों अथर्ववेद में भी कहा गया है कि माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्या बल का उपहार देते थे, अर्थात उसे ज्ञान रूपी दहेज देते थे। ये अथर्ववेद के प्रथम अध्याय और छठवें श्लोक में कहा गया है। वैदिक समाज में हमें पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। वजह यह है कि वैदिक कालीन नारियां आज भी नारियों के लिए आदर्श बनी हुई हैं। वैदिक कालीन समाज में जब नारी की स्थिति पर गौर करते हैं तो ज्ञात होता है कि परंपरागत रूप से भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भूभागों की तुलना में महिलाओं की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ एवं उच्च थी। भारतीय धर्म को छोड़कर विश्व का कोई भी धर्म स्त्री को इतना सम्मान एवं प्रधानता नहीं देता जितना एक भारत देता है। इसका एक सुंदर उदाहरण है यहाँ की वैवाहिक पद्धति, हिंदू विवाह पद्धति। भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना गया है। विवाह में कन्या पक्ष की ओर से कन्यादान किया जाता है जो दर्शाता है कि लड़का पक्ष याचक है और लड़की पक्ष दाता, और दाता पक्ष सदैव याचक से बड़ा होता है। इस प्रकार एक अन्य उम्दा विचार धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है कि परमात्मा ने इस संसार के दो भाग करके एक पुरुष और दूसरा स्त्री बनाया, अर्थात स्त्री और पुरुष को समान स्थान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई है वह बताती है कि स्त्री पुरुष के मिलन से मानव जीवन का विकास हुआ है। दोस्तों यह इस बात की ओर संकेत करता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। वैदिक कालीन प्रगतिशीलता के लिए बहुत हद तक वहां की उन्नतशील शिक्षा व्यवस्था उत्तरदायी थी। दोस्तों वेदों के बारे में और अधिक क्या कहें, अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। उक्त कथनों से सिद्ध होता है कि वैदिक कालीन समाज प्रगतिशील आशावादी समाज था जहां प्रत्येक मानव जाति की समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। वेद प्राचीन होकर भी नवीन है। वेदों में वैज्ञानिकता आधुनिकता भी शामिल है क्योंकि वेदों में दार्शनिकता गुण धर्म आरोग्य जादू चमत्कार ज्योतिष राजनीति आर्थिक सामाजिक साहित्य आदि समस्त विषयों का उल्लेख है। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू सुधार आंदोलन किया। इस समाज में मूर्ति पूजा अवतारवाद बलि झूठे कर्मकांड अंधविश्वासों को अस्वीकार किया है, जबकि स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपति धारण करने और वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार दिया गया है। आर्य समाज का मूल विषय है सत्यार्थ प्रकाश, जिसका आदर्श वाक्य है कृणवंतो विश्वमार्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो, विश्व को आर्य बनाते चलो। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म को लेकर होती है, जन्म से नहीं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि राजा का बेटा क्षत्रिय ही हो या राजा ही हो। एक गुण बल पराक्रम बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु अष्टांग योग, उत्तम कर्म, पवित्रता
यज्ञ आदि का आयोजन सत्य का साथ और मिथ्या को दूर छोड़ना है। वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथों में वेदों की मतों को पुनः प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।